होगा। शायद ये बात किसी को समझ में नहीं आई या जानबूझ के नहीं समझना चाहते थे, क्योंकि चलिए व्यवस्था एक बनी हुई थी, सब उसमें खुश थे। लेकिन उसका मेरे ख्याल से जब मैंने परसों इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद से शायद आभास होना शुरू हुआ कि बात तो काबू से निकल चुकी है और अब ये आपाधापी की एक स्थिति बनी हुई है जहाँ पे अलायंस पार्टनर से किनारा कर लिया गया है और पूरी सरकार का पुनर्गठन किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है बहुत देर हो चुकी है इसके लिए। जो वोट दिया उसके बाद इस तरीके की गतिविधियां होना लगातार, उस पर लोकसभा चुनाव का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, पार्टी को मुझे इस पूरे घटनाक्रम से लगता है कि सच्चाई ग्राउंड पर जो वास्तविकता थी उसका आभास था, लेकिन वो उसको देखकर भी देखना नहीं चाह रहे थे। और ये परसों जब मेरा इस्तीफ़ा हुआ है उसके बाद से मेरे ख्याल से एक क्या बोलूँ, उनको शायद कुछ झटका लगा हो और जो जो तथ्य उनके पास रहे होंगे, जो सूचना उनके पास रही होगी, उस पर वो विवश हो गए कि अब उनको कोई उसके ऊपर कुछ एक्शन लें ताकि जो स्थिति जो बेकाबू हो चुकी है उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण किया जा सके या उस स्थिति से उभरा जा सके, उसका ये प्रयास है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बहुत देर से किया गया है, अब इसका कोई ये जो भूल है इसका सुधार इस स्टेज पे अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपको कुछ कदम आप लोग आगे बढ़ाएं और कोशिश नहीं, नहीं पार्टी विपक्ष के नाते तो लगातार कांग्रेस पार्टी 4.5 साल से अपना काम कर ही रही है, 4.5-5 साल से। लेकिन ये जो घटनाक्रम है, ये तो जो गठबंधन और भाजपा के अंदर खुद जो एक कमज़ोरी आई है उसकी आज ये कह सकते हैं कि उसका पटाक्षेप हुआ है। तो फिलहाल तो जो घटनाक्रम है वो इसी ओर दर्शाता है कि आने वाला लोकसभा का चुनाव हरियाणा में जो है वो भाजपा के लिए जो वो सोचे बैठे थे या जो एक प्रचार किया हुआ था, उन्हें भी स्थिति से वो अवगत हैं, उन्हें पता है कि ग्राउंड पे ज़मीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है जितना वो माने बैठे हैं। तो हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सस्पेंस लगातार बना हुआ है। बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, जैसे ही फैसला आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।